रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम अफरोज़ सैयद है और मैं सोसाइटी फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट्स इन पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ। मैं NHST और डॉक्टर फौजिया और आज के इवेंट के सब स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरी और जो मेरी सोसाइटी के एफर्ट्स हैं उनको पहचाना और हमें इधर इवेंट पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक मरकज़ी असाबी निज़ाम की बीमारी है और इसमें ये अभी तक इसका जो है कुछ नहीं पता चला कि ये क्यों होती है, और लेकिन पाकिस्तान में जो है अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जिसको हम MS कहते हैं, मुझे भी 2011 में MS हो गया था। तब मैंने काफ़ी पेशेंट से मिली और मैंने देखा कि इस बीमारी का अवेयरनेस नहीं है, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है पाकिस्तान में जो इस बीमारी के बारे में पेशेंट्स को आगाही दे और उनको गाइड करे कि इस बीमारी के साथ आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो हमारी सोसाइटी का मकसद है, पहली बात MS के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, और दूसरा है कि जो नॉन केसेस ऑफ MS हैं उनको हम गाइड करें, उनको बताएं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्होंने किस डॉक्टर पे जाना है, क्या इलाज कराना है, ताकि वो एक बेहतर एंड नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। हम लोग फंड रेजिंग भी करते हैं, हम लोग डिज़र्विंग पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमें आप जैसे डोनर्स की, हमें डोनेशंस की भी ज़रूरत होती है। और क्योंकि मुझे ये आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं गवर्नमेंट से भी जो है ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बीइंग अ स्मॉल NGO हमें आप लोग आपकी ज़रूरत है, एंड वी वॉन्ट टू क्रिएट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MS ट्रीटमेंट सेंटर इन पाकिस्तान, तो उसमें भी हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी।